नमस्कार, मैं डॉक्टर आशुनोले असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षा शास्त्र राजकीय महाविद्यालय नंदा नगर घाट चमोली उत्तराखंड से। आज इस व्याख्यान में हम शिक्षा उसके अर्थ एवं कार्य की विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। मानव ईश्वर की उत्कृष्ट रचना है। मनुष्य जन्म से ही कुछ जन्मजात शक्तियों अर्थात योग्यताओं के साथ में पैदा होता है, जिसका विकास सामाजिक परिवेश द्वारा होता है। यह परिवेश परिवर्तनशील है और लगातार मनुष्य के व्यवहार को सकारात्मक रूप प्रदान करता है। शिक्षण साधन चाहे वे औपचारिक हो या अनौपचारिक, लगातार इस प्रक्रिया में लगे रहते हैं। सीखने सिखाने का यह क्रम आजीवन चलता रहता है और इसी को शिक्षा कहा जाता है। बेंजामिन डबल के अनुसार एजुकेशन इन इट्स वाइडेस्ट सेंस इंक्लूड्स ऑल द इन्फ्लुएंस व्हिच एक्ट अपॉन एन इंडिविजुअल ड्यूरिंग दिस पैसेज फ्रॉम क्रैडल टू ग्रेव, अर्थात जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जिन भी संस्कारों का प्रभाव मनुष्य के व्यवहार पर पड़ता है वे सब शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि मनुष्य की शिक्षा जन्म से आरंभ हो जाती है और मृत्यु के अंतिम क्षण तक क्रियाशील रहती है। शिक्षा के इस जटिल स्वरूप को समझने के लिए हमें शिक्षा की उत्पत्ति को समझना होगा। तो आइए शिक्षा की उत्पत्ति को समझने का प्रयास करें। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाषा की शिक्षित धातु में अप्रत्यय लगाने से हुई है। संस्कृत में शिक्षा शब्द का अर्थ सीखना और सिखाना होता है। अंग्रेजी भाषा में शिक्षा को एजुकेशन कहा जाता है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के मूल शब्द एडुकेटम से हुई है। इस शब्द की उत्पत्ति ई तथा ड्यूको से मिलकर हुई है, जिसमें ई का अर्थ अंदर से तथा ड्यूको शब्द का अर्थ आगे बढ़ाना या अग्रसर करना है। अतः इस शब्द से यह ज्ञात होता है कि शिक्षा यानी एजुकेशन का अर्थ है मनुष्य के भीतर निहित जन्मजात शक्तियां या योग्यताओं को बाहर की ओर अग्रसर करना या बढ़ाना। लैटिन भाषा में एडुकेटम शब्द का अर्थ टू ट्रेन या एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग अर्थात शिक्षण अथवा प्रशिक्षित करना होता है। एजुकेशन के एक अन्य लैटिन मूल एडुसियर का अर्थ है टू लीड आउट और टू ड्रॉ अर्थात विकसित करना या बाहर निकालना। एजुकेशन शब्द के ही एक अन्य लैटिन मूल एडुकेयर का अर्थ है टू एडुकेट टू ब्रिंग अप और टू रेज अर्थात शिक्षित करना आगे बढ़ाना या विकसित करना होता है। अतः शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक में निहित आंतरिक शक्तियों का या योग्यताओं का विकास हो सके और उसके द्वारा बालक अपने जीवन को सुखमय एवं सरल बना सके। आइए शिक्षा को और अधिकाई से जानने का प्रयास करते हैं। इसके लिए कुछ परिभाषाएं हैं जिनको महान व्यक्तियों ने दिया। परिभाषाओं के आधार पर हम शिक्षा को समझने का प्रयास करें। जगत गुरु शंकराचार्य के शब्दों में सह विद्या या विमुक्ते अर्थात शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए। यह माना जा सकता है कि शिक्षा समाज में व्याप्त तमाम सामाजिक बुराइयों से मनुष्य को मुक्ति दिला सकती है। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन मैन
अर्थात मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। स्वामी जी की इस परिभाषा से यह ज्ञात होता है कि मनुष्य के भीतर जन्म से कुछ शक्तियां या योग्यताएं मौजूद हैं। शिक्षा के द्वारा उनका प्रकटीकरण संभव है। इसको एक उदाहरण से समझा जा सकता है। एक बालक जो अच्छा गाता है लेकिन उसको स्वर ताल और लय का ज्ञान नहीं है, जब यह बालक संगीत की शिक्षा प्राप्त करता है तो अपनी योग्यताओं को बहुधा बहुत सारे लोगों के सामने में परिलक्षित या प्रस्तुत कर सकता है। शिक्षा उसके भीतर की शक्तियों को निखार लेता है और यही बालक आगे चलकर बड़ा संगीतकार या गीतकार बनता है। महात्मा गांधी जी ने शिक्षा की परिभाषा देते हुए कहा, By education, I mean the all-round drawing out of the best in child and man, body, mind and soul. अर्थात शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा का सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। गांधी जी शिक्षा की इस परिभाषा में बालक के शरीर, मन एवं आत्मा के विकास की बात करते हैं। जब शरीर के विकास की बात होती है तो गांधी जी का आशय इस भौतिक शरीर से है। शिक्षा का प्रथम उद्देश्य बालक में स्वस्थ शरीर के निर्माण की है। जब शरीर स्वस्थ होगा तभी स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन भी होगा, स्वस्थ सोच भी होगी और स्वस्थ आत्मा भी निवास करेगी। जब गांधी जी स्वस्थ मन की बात करते हैं तो एक ऐसे मन की कल्पना की जा सकती है जिस मन में स्वच्छ विचार और सकारात्मक सोच उत्पन्न। वहीं जब गांधी जी स्वस्थ आत्मा की बात करते हैं तो एक ऐसी आत्मा की हम कल्पना कर सकते हैं जो स्वस्थ शरीर में वास करती है, सारे नैतिक और अच्छे विचारों से परिपूर्ण हो ताकि व्यक्ति विशेष लाभान्वित हो, साथ ही समाज भी लाभान्वित हो सके। एक अन्य दार्शनिक जॉन डीवी के शब्दों में, आई बिलीव दैट एजुकेशन देयरफॉर इज अ प्रोसेस ऑफ लिविंग एंड नॉट अ प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर लिविंग। वी कैन बिल्ड अ चाइल्ड्स सेल्फ एस्टीम इन नॉट ओनली द क्लासरूम बट इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ हिज लाइफ और हर लाइफ। डीवी के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की उन सब योग्यताओं का विकास है जो उसमें अपने पर्यावरण पर नियंत्रण रखने तथा अपनी संभावना को पूर्ण करने की सामर्थ्य प्रदान करे। जॉन डीवी के विचार में शिक्षा जीवन का मार्ग ही नहीं अपितु शिक्षा ही जीवन है। एक अन्य प्रकृतिवादी दार्शनिक हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार शिक्षा का अर्थ अंतः शक्तियों का बाह्य जीवन में समन्वय स्थापित करना है। एक अन्य दार्शनिक फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करता है। इन सभी परिभाषाओं से यह उम्मीद होता है कि शिक्षा आजीवन चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके बाद मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का विकास हो जाता है और वह समाज की तमाम चुनौतियों को लड़ने के लिए या सामना करने के लिए सक्षम बन जाता है। आइए अब हम शिक्षा के कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। शिक्षा समाज एवं व्यक्तिगत उद्देश्यों की पूर्ति करने में सहायक होती है जिसके द्वारा हम शिक्षा के कार्यों को निर्धारित कर सकते हैं। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा का कार्य असहाय मनुष्य को सहायता पहुंचाना है ताकि वो कुशल, सुखी व नैतिक मनुष्य बन सके। शिक्षा के कार्यों को हम प्रमुखता चार भागों में बांट सकते हैं। शिक्षा के सामान्य कार्य, मानवीय जीवन में शिक्षा के कार्य,
सामाजिक जीवन में शिक्षा के कार्य तथा राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के कार्य। आइए सर्वप्रथम हम शिक्षा के सामान्य कार्य की चर्चा करें। जन्मजात शक्तियों का प्रगतिशील विकास। बालक जन्म से ही कुछ शक्तियों के साथ में पैदा होता है, जैसे प्रेम, क्षमा, दया, जिज्ञासा, तर्क, कल्पना, आत्मसम्मान इत्यादि। शिक्षा के सामान्य कार्य के अंतर्गत शिक्षा इन्हीं जन्मजात शक्तियों का विकास करती है। भाषा, ज्ञान, मानसिक शक्तियों का विकास। एक व्यक्ति जब शिक्षित होता है तो वो भाषा का ज्ञान भी अर्जित करता है और भाषा में लिखे हुए ज्ञान को भी अर्जित करता है। इसके द्वारा बालक के मानसिक शक्तियों का भी विकास होता है। नैतिक एवं चारित्रिक विकास एवं मूल्य शिक्षा। वैसे तो नैतिकता का विकास हमारे परिवार, समाज एवं धार्मिक संगठनों द्वारा भी किया जाता है, परंतु शिक्षा नैतिक विकास में एक अहम भूमिका अदा करती है। चारित्रिक विकास से अर्थ है आंतरिक दृढ़ता और व्यक्तित्व की एकता से। जहां एक ओर शिक्षा नैतिक विकास में सहायता करती है, वहीं दूसरी ओर चारित्रिक विकास में भी सहायता करती है। यहां चरित्र से अर्थ है आंतरिक दृढ़ता एवं व्यक्तित्व की एकता से। शिक्षा संस्कृति के संरक्षण, हस्तांतरण एवं विकास के लिए भी उत्तरदायी है। एक बालक जो विद्यालय में पठन पाठन करता है, किताबों के माध्यम से वह अपने ही देश की संस्कृति व सभ्यता को भी जानता है। इस प्रकार सभ्यता एवं संस्कृति का संरक्षण होता है और पीढ़ी दर पीढ़ी शिक्षा होने पर यह सभ्यता और संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरण होती है। किसी सभ्यता विशेष पर शोध होने के पश्चात उस सभ्यता का विकास भी संभव होता है। और यदि किसी संस्कृति या सभ्यता को बचाना हो तो उसको शिक्षा में लाना आवश्यक है। शिक्षा वयस्क जीवन की तैयारी के लिए बालक को तैयार करती है। एक बालक जब पढ़ता लिखता है तो वो उन सभी कौशलों एवं योग्यताओं को अपने जीवन में अर्जित करता है, जिनके द्वारा वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। शिक्षा ही उत्तम नागरिकों का निर्माण करती है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही उत्तम नागरिक की भूमिका निभा सकता है। एक लोकतांत्रिक देश की कल्पना तभी की जा सकती है जब वहां के लोग पढ़े लिखे हों, शिक्षित हों और राष्ट्र के निर्माण में अहम योगदान देते हों। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन, सुधार एवं उन्नति के द्वारा भी योगदान करती है। विश्व में ऐसे कई देश हैं जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन अनुभव किया है और सामाजिक परिवर्तन की नींव शिक्षा के ही द्वारा पड़ी। जब लोग शिक्षित हुए तभी उनकी आंखें खुली और उन्होंने समाज में व्याप्त बुराइयों को सुधारा। इससे समाज ही नहीं वरन पूरे देश की और विश्व की उन्नति भी हुई। इसलिए शिक्षा सामाजिक परिवर्तन एवं सुधार में व राष्ट्र की उन्नति में अहम भूमिका निभा सकती है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार शिक्षा मानवीय होनी चाहिए। इसमें मात्र बौद्धिक प्रशिक्षण पर ही बल नहीं दिया जाना चाहिए, अपितु आत्म अनुशासन एवं हृदय की पवित्रता पर भी बल दिया जाना चाहिए।
मानव जीवन में मूल्यों को बनाए रखने हेतु शिक्षा निम्न प्रकार से कार्य कर सकती है। मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति। शिक्षा मानव आवश्यकताओं की पूर्ति में एक अहम भूमिका निभाती है। जब जब मनुष्य की आवश्यकता बढ़ती है, तब तब विज्ञान, तकनीकी एवं कला ने शिक्षा के माध्यम से उनकी पूर्ति की है। उदाहरण के लिए, आज शिक्षा को तकनीक के द्वारा प्रचारित और प्रसारित किया जा सकता है और छात्र अपने घर बैठे बैठे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। शिक्षा मनुष्य को आत्मनिर्भर बनाने में सक्षम है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति समाज में हर प्रकार से अपना जीवन यापन कर सकता है, फिर चाहे बैंक में फॉर्म भरते समय हो या एटीएम से पैसा निकालने में हो। एक शिक्षित व्यक्ति ही स्वयं अपने कार्य को कर सकता है। आज हर व्यवसाय में शिक्षित लोगों की ही जरूरत है। व्यवसायिक कुशलता की प्राप्ति। शिक्षा ज्ञान वर्धन करती है। शिक्षित लोग उत्कृष्ट व्यवसाय पाने हेतु योग्य होते हैं। वातावरण में समायोजन एवं परिवर्तन। शिक्षा व्यक्ति को वातावरण के साथ समायोजन करना सिखाती है तथा वातावरण को परिवर्तन योग्य बनाती है। एक शिक्षित व्यक्ति ही बड़े मंचों पर शिक्षित लोगों के बीच सहजता से बोल सकता है, जबकि एक अशिक्षित व्यक्ति ऐसे वातावरण में असहज महसूस कर सकता है। इसी प्रकार बहुत ऐसे आयाम हैं जहां शिक्षित व्यक्ति बेहतर समायोजन कर सकता है, परंतु अशिक्षित व्यक्ति ऐसे माहौल में अपने आप को समायोजित नहीं कर पाता। जीवन की तैयारी। मानव जीवन संघर्षों से युक्त है। चुनौतियां पल पल सामना करती हैं। विज्ञान और तकनीकी के इस युग में दूरभाष से संप्रेषण करना भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। स्मार्टफोन से महाविद्यालय या विश्वविद्यालय को ईमेल भेजना चुनौतीपूर्ण बन सकता है। एग्जामिनेशन फॉर्म भरना, परीक्षा परिणाम देखना इत्यादि चुनौतीपूर्ण हो सकता है यदि आप शिक्षित नहीं हैं। स्वामी विवेकानंद के शब्द में, वह शिक्षा शिक्षा कहलाने की योग्य नहीं जो सामान्य जनसमूह को जीवन संघर्ष के लिए तैयार करने में सहायता नहीं देती और उनमें शेर का सा साहस उत्पन्न नहीं करती। आइए अब शिक्षा के सामाजिक कार्य पर चिंतन करें। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। हर एक मनुष्य किसी न किसी प्रकार से पूर्वाग्रहों एवं कुविचारों से व्याप्त होता है, जिसके चलते वह समाज में स्वीकार्य योग्य नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर, समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बीमार होने पर झाड़ फूंक करने के लिए ओझाओं के पास या टोनों के पास जाएंगे, परंतु शिक्षित लोग बीमार होने पर हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को दिखाएंगे। शिक्षा मनुष्य को सामाजिक बनाती है। शिक्षित होने के पश्चात मनुष्य सामाजिक बुराइयों में और अच्छाइयों में विवेक कर पाता है, जिससे उसकी तर्क शक्ति बढ़ती है और वह अपने निर्णयों को भली भांति ले सकता है। शिक्षा व्यक्तियों का समाज के साथ अनुकूलन करती है ताकि समाज की धारणा पूरी हो सके। शिक्षा सामाजिक कुशलता एवं सुधार में अहम योगदान देती है। इतिहास गवाह है कि समाज में कई बार सुधार हुए हैं जिनके चलते सामाजिक बुराइयों को निष्कासित किया गया और समाज को और बेहतर बनाने का प्रयास किया गया। लेकिन यह समाज विशेष को शिक्षित करने के ही बाद
संभव हो पाया। समाज में रहते हुए हमारे कुछ दायित्व हैं, जिनकी पूर्ति शिक्षा के ही द्वारा संभव है। शिक्षा सामाजिक कर्तव्यों को सिखाती है और उनको पूरा करने में सहायता भी करती है। संस्कृति और सभ्यता का विकास शिक्षा के ही द्वारा संभव है। किसी भी समाज के लिए उसकी संस्कृति और उसकी सभ्यता अहम होती है, जिसको बचाए रखने के लिए शिक्षा एक अहम भूमिका अदा करती है। व्यक्तिगत हित को सामाजिक हित से दूर रखना शिक्षा सिखाती है। समाज में रहते हुए हमें व्यक्तिगत तरीके से नहीं, लेकिन सामाजिक तौर पर सोचना शिक्षा सिखाती है। और जब हम सामाजिक तौर पर सोचते हैं तो हम अपनी ही भलाई नहीं वरन पूरे समाज की भलाई को चाहते हैं। शिक्षा सामाजिक भावना को जागृत करने में अहम योगदान देती है, जिसके द्वारा राष्ट्र की एकता और अखंडता मजबूत होती है। राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को बनाए रखने के लिए शिक्षा छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्य जैसे स्वतंत्रता, समानता, समता, धर्मनिरपेक्षता, बंधुत्व इत्यादि मूल्यों का विकास करती है। शिक्षा सामाजिक गुणों का भी विकास करती है, जिसके द्वारा व्यक्ति विशेष समाज में अपने आप को समायोजित करने में सफल होता है और सामाजिक एकता को बनाए रखने में अहम योगदान देता है। आइए अब राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के कार्यों पर प्रकाश डालें। मैकाइवर एंड पेज के अनुसार राष्ट्र का गुण उसकी सामाजिक इकाइयों का गुण है, अर्थात सामाजिक इकाइयों का सामूहिक जीवन ही राष्ट्रीय जीवन है। यदि ईंधन ही खराब है तो ज्योति कैसे तेज हो सकती है? अर्थात यदि सामाजिक इकाइयां निर्बल हैं, तो राष्ट्र कैसे वैविध्यमान हो सकता है? राष्ट्र की उन्नति तभी हो सकती है जब उसके नागरिक सभी प्रकार से श्रेष्ठ हों, और उनको ऐसा बनाना ही राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य है। राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा नेतृत्व के लिए प्रशिक्षण देता है। नेतृत्व एक गुण है जिसका विकास शिक्षा द्वारा ही संभव है। सामाजिक, राजनीतिक, औद्योगिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में नेतृत्व शिक्षा द्वारा प्रदान किया जा सकता है। राष्ट्र को कुशल श्रमिकों की पूर्ति भी शिक्षा के ही द्वारा संभव है। कुशल श्रमिक प्रशिक्षण द्वारा ही उत्पन्न किए जा सकते, फिर चाहे व्यापार हो, उद्योग हो या कृषि के क्षेत्र में हो, उत्पादन वृद्धि एक कुशल श्रमिक ही कर सकता है। और कुशल श्रमिक शिक्षा द्वारा ही तैयार किए जाते हैं। राष्ट्रीय एकता का विकास। राष्ट्रीय एकता की अवधारणा भी शिक्षा के द्वारा ही पूरी हो सकती है। एक राष्ट्र की कल्पना तब तक नहीं की जा सकती जब तक सभी एकता के सूत्र में ना बंधे हों। एक शिक्षित व्यक्ति ही जातिवाद, सांप्रदायिकता, अंधविश्वास, क्षेत्रवाद इत्यादि बाधाओं को पार करके ही राष्ट्रीय विकास में योगदान दे सकता है। प्रेम और आपसी भाईचारे से ही राष्ट्र की नींव मजबूत होती है और राष्ट्र का विकास होता है। राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत से संपर्क शिक्षा द्वारा ही संभव है। एक छात्र जो अपनी कक्षा में बैठकर आगरा के ताजमहल के बारे में पढ़ता है, यद्यपि वो भौतिक तरीके से आगरा नहीं गया है और ना ही उसने ताजमहल देखा, फिर भी वह शिक्षा के द्वारा सांस्कृतिक विरासत से संपर्क में आता है। और इसी प्रकार राष्ट्र के अन्य अन्य भागों में जितनी भी सांस्कृतिक संपदाएं हैं, उनसे शिक्षा के द्वारा ही संपर्क में आता है।
राष्ट्र निर्माण में सार्वजनिक हित सबसे महत्वपूर्ण है। शिक्षा व्यक्ति विशेष को अपने व्यक्तिगत हित को निम्न स्थान पर रखना सिखाती है और सार्वजनिक हित को प्राथमिकता देना सिखाती है। राष्ट्र को चलाने के लिए योग्य नागरिक आवश्यक है। योग्य नागरिक वे नागरिक हैं जो देशभक्ति से उत्प्रोत हों, अधिकारों के प्रति सजग हों, अपने कर्तव्यों को समझने और उन्हें निभाने में योग्य हों, और यह सब कार्य शिक्षा के द्वारा संभव है। सारांश में, शिक्षा आजीवन चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जो मानव जीवन को आकार प्रदान करती है तथा उसमें तार्किक सोच को उत्पन्न कर निर्णय लेने में सहायता करती है। आज शिक्षा हमारी आवश्यकता बन चुकी है। एक उन्नत राष्ट्रीय कल्पना बिना शिक्षा के नहीं की जा सकती। व्यक्तिगत जीवन से लेकर राष्ट्रीय जीवन तक शिक्षा अहम भूमिका निभा रहा है। एक शिक्षित व्यक्ति समाज और राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनता है और आज तो राष्ट्र की शक्ति का आकलन उसकी साक्षरता दर से किया जाता है।